बेटी फाउंडेशन के द्वारा 21 बालिकाओं का 27 मार्च को कराया जाएगा विवाह। उस विवाह को लेकर पहले से करी गई है रणनीति। जी हाँ, 27 मार्च को 21 कन्याओं का जो विवाह होगा उसमें किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, उसी को लेकर छतरपुर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें कि दिल्ली एनसीआर से तमाम लोग पहुंचे। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें बेटी फाउंडेशन के द्वारा लगातार जो है कन्याओं का जो विवाह है वो कराया जाता है। गरीब तबके के लोग और बेसहारा लोगों की बालिकाओं का विवाह कराने का बीड़ा जो है बेटी फाउंडेशन के द्वारा उठाया गया है। उसी क्रम में आपको बता दें छतरपुर के अंदर आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें कि दिल्ली एनसीआर के तमाम लोग पहुंचे, जिन्होंने अपने अपने व्यक्त यहां पर बयां किए और साथ ही साथ अलग अलग तरीके से जिनको जो जिम्मेदारी मिली उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए यहां पर सभी ने हाँ भरी। बेटी फाउंडेशन लगातार जो है गरीब असहाय लोगों की शादी और शिक्षा के लिए काम करती आ रही है। उसी क्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया। आर सुनिश की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वजह क्या थी ये आने वाले सामूहिक विवाह 27 मार्च को जो होने वाला है छतरपुर मंदिर में, उसके रिगार्डिंग हुई। उसी में सभी की व्यवस्थाएं और कोऑर्डिनेशन रहा और क्या क्या किस किस लोगों को जिम्मेदारी देने वाले हैं और किस तरीके से किस कन्याओं का विवाह करेंगे वो जिम्मेदारियां आज यहाँ पे बताई जा रही है। आप लोग लगातार जो है फाउंडेशन चला रहे हैं, किस तरीके से लोग आपसे जुड़े उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज? बेटी फाउंडेशन से ज़्यादा लोग जुड़े, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, वेबसाइट है betifoundation.in, उस पर जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। हमारी कई सारी पाठशालाएँ चल रही हैं गरीब बच्चों के लिए और मैं चाहता हूँ कि इन 21 कन्याओं के लिए लोग आगे आएँ, समाज के लोग आगे आएँ। एक नंबर भी मैं शेयर करना चाहूँगा 9911001340 पे, इस पर संपर्क कर इन 21 कन्याओं के विवाह में जरूर शामिल हैं। अच्छा, आज जो मीटिंग थी इसमें कहाँ कहाँ से लोग जो हैं वो आए थे और कितना योगदान दे रहे हैं लोग? इसमें रोहिणी से भी लोग थे, सीलमपुर दिल्ली और लक्ष्मी नगर से भी लोग थे। छतरपुर में ये मीटिंग रखी गई है नर्सरी पर और पूरी दिल्ली का सहयोग मिल रहा है। आज 60 से 70 लोगों का यहाँ आना हुआ, तो ये सब समाज सेवा के रूप में कोऑर्डिनेट करने के लिए आज यहाँ पर आए। अच्छा, इस तरीके से अगर विवाह करते, अगर आप ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा कन्याओं का विवाह हो सकता मान सकते हैं आप? बिल्कुल, अगर ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो बच्चियों का और भी विवाह कराए जा सकते हैं। ठीक, आज ये जो मीटिंग करी गई किस तरीके से आप लोग अपना योगदान जो है देंगे, जो 21 कन्याओं का जो विवाह होगा उसमें किस तरीके का सहयोग रहेगा? देखिए, आज के हमारे समाज में जो एक दहेज प्रथा जो चलती जा रही है, बढ़ावा उसको मिलता है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उस बढ़ावे को ख़त्म करने के लिए हम ये बेटी फाउंडेशन की तरफ से एक पहल है कि हम जितना कम कर सकते हैं इसको हम करें। वो साथ ही साथ जो हमारे गरीब परिवार की बेटियां हैं तो उनको वो सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो हम हमारी बेटी फाउंडेशन की तरफ से हम पूरा सहयोग होता है कि दहेज प्रथा को ख़त्म करते हुए हम हमारी जो बेटियां हैं जिसे उनको रिश्तेदार नहीं होते, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमारे अलग अलग पदों से, चाहे वो जूरीज हैं चाहे कमिश्नर्स हैं, वो सभी इस शादी में सहयोग देते हैं। सभी हम लोग सब मिलकर इस शादी के माध्यम से अपनी बेटियों की विवाह करते हैं ताकि उनका संपन्न हो सके। और साथ ही साथ हमारी बेटी फाउंडेशन की तरफ से भी एक पहल है, अगर हमारे जो बेटियों की शादी होती है अगर इसमें उनकी बेटी होती है तो वो उसको भ्रूण हत्या ना करवाकर, साथ ही साथ हमारे एक है उनका प्रॉमिस होता है हमारे माध्यम से कि उस बेटी को आप पैदा कीजिए, लेकर आइए समाज में, उसका पूरा जो खर्चा होगा चाहे वो पढ़ाई का है, चाहे शादी का है, चाहे एजुकेशन का है, पूरा बेटी फाउंडेशन उठाएगी। मैं बेटी फाउंडेशन से क्योंकि मैं खुद महिला हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं को आगे लाने के लिए सबसे पहला कदम ये उठाना पड़ेगा कि बेटियों को समाज में लाना पड़ेगा, बेटियों को पैदा करो, बेटियों को पढ़ाओ। सब अगर कोई बंदा इसमें लगता हमें कि ये सक्षम नहीं है हमारे हिसाब, वो हमारे पास आए, हमारे बेटी फाउंडेशन से जुड़े, स्टडी पढ़ाई लिखाई सब उसका बेटी फाउंडेशन, अन्यथा लास्ट में विवाह के लिए भी हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। वो उनकी बेटी नहीं बल्कि वो हमारी बेटी करेंगे। शादी में जो 21 कन्याओं का विवाह हो रहा है इसमें किस तरीके से हो रहेगा?
था, मेरा नाम है जैसा मैंने बताया कि बेटियों को हमें आगे लाना है, तो हम मतलब मैंने भी अब इसके बारे में जब सुना तो मैं इनके साथ स्टेट में कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार हो गई कि हमें भी अपनी बेटियों को आगे लाना है और उन्हीं के लिए कुछ अच्छा करना है। क्या मैसेज देना चाहेंगी बाकी महिलाओं के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़े बेटी फाउंडेशन से? मैं महिलाओं को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप डरेगा कि औरतें निकलने क्या होगा, तो आप हमारे साथ जुड़े और बेटी को पैदा करने से पहले ये ना सोचे कि बेटी पैदा हो रही है उसका क्या करेंगे, ये सोचिए आप एक खुद महिला है और महिला होने के नाते आपको पहला ये देखना चाहिए कि हमें बेटी को लाना ही चाहिए। अगर बेटी होगी तो समाज चलेगा, अगर बेटी को नहीं आप पैदा करोगे, आप बेटों को नंबर वन पे लाओगे तो बेटे ही रहेंगे, बेटियां नहीं होगी, ना आपका संसार चलेगा, ना आपका घर चलेगा, ना पहली प्रथम सब ये संकल्प लो कि बेटी ही परम धर्म परम कर्तव्य परम निष्ठा है कि बेटी ही आनी चाहिए। वो चीजें खत्म करनी पड़ेगी समाज से, भेदभाव को मिटाओ, बेटियों को आगे लाओ। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू भी यही है और समाज से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी सबसे जितने भी है कि बेटियां, हम भी एक बेटी है, हमारी माए भी बेटी है, हम बहू लाते वो भी बेटी होती है। समाज कहाँ से जुड़ रहा है? औरतों से जुड़ रहा है, तो औरतों को के उसको बनाने के लिए बेटी का घर आना धरती में सबसे पहला सर्वप्रथम कार्य है। तो उसको प्लीज सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बेटियों के बारे में सोचो, बेटियों को आगे लाओ। जहाँ भी आपको लगता है कि हमारी समाज में कहीं भी लग रहा है आप लोगों को कि बेटी के साथ कोई भी गलत हो रहा है, आप प्लीज हमसे संपर्क करें, हम आपके साथ पूरी तरह से पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हो।